महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डलहौजी द्वारा शनिवार को उपमंडल मुख्यालय सलूनी पर रोष रैली निकाली गई। केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य चौक से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम सलूनी डॉक्टर स्वाति गुप्ता के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने महंगाई व बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा है। डलहौजी कांग्रेस के चार अध्यक्षों पवन ठाकुर, अमित शर्मा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष संजय शर्मा, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल मागरा की अगुवाई में यह रैली आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई है। डलहौजी कांग्रेस की इस खंड स्तर की रोष रैली में मात्र 2 दर्जन भर के करीब लोगों ने भाग लिया। मीडिया द्वारा जब अध्यक्ष पवन ठाकुर से लोगों के न आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने माना कि अभी लोगों ने खास रुचि नहीं दिखाई है, मगर लोग चुनावों का इंतजार कर रहे हैं जिसमें वह अपना गुब्बार निकालेंगे। ब्लॉक कांग्रेस डलहौजी के जो हमारे अध्यक्ष हैं भाई राजकुमार जी, उनके आदेश अनुसार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह के आदेश अनुसार जो हमारे सलूनी मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन रखा गया था, महंगाई, बेरोजगारी और चरमराई कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में, उसमें हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है एसडीएम सलूनी के माध्यम से, जिसमें कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भाई अमित शर्मा जी, पूर्व के हमारे जिला परिषद के हमारे सदस्य पवन शर्मा जी, अल्पसंख्यक बोर्ड के जो अल्पसंख्यक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नजाकत अली जी और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संजय जी, इकबाल मागरा जी पूर्व के हमारे जिला परिषद जिला के हमारे जो हैं माइनॉरिटी के अध्यक्ष रहे हैं, नवीन गुप्त हमारे जो आईटी सेल के हमारे भाई हरक जी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के जो महंगाई के खिलाफ जो लोगों में रोष है, उस लोगों की जो आवाज है वो आज हमने राज्यपाल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई है कि सरकार इस मुद्दे पर फेल हुए हैं, लोग जो हैं इस सरकार को उखाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और जल्द ही जैसे ही चुनावों का बिगुल बजता है, जैसे ही चुनाव घोषित होंगे तो सरकार इस जो हमारी प्रदेश में जो जयराम की सरकार है इसको उखाड़ने के लिए भेजने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में जो सिलेंडर था वो 400 रुपये प्रति एक सिलेंडर मिलता था, आज उसकी जो है 1200 रुपये एक सिलेंडर पहुंच गया है। आपने देखा ही होगा अभी हाल ही में जो तबादला गिरोह है वो पूरी तरह सक्रिय है, पैसों के लेन देन से तबादले हो रहे हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वो खाली पड़े हुए हैं, बच्चों को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो नई भर्तियां हैं सरकार उनको करने में पूरी तरह विफल रही है। जो पुलिस भर्ती घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें बड़े स्तर पर जो उच्च अधिकारी मिले हुए थे, पैसों का लेन देन हुआ था। हमारा कहने का मतलब है, कांग्रेस का कहने का मतलब है कि सरकार जो है, सरकार के कानून व्यवस्था जो है सरकार के हाथ से निकल गई है, इस सरकार को जल्द से जल्द या तो त्याग पत्र देना चाहिए या लोग ही इसको इस सरकार को हटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सर, क्या कारण है आज की रोष रैली में लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई? लोगों का गुबार जो है अंदर खाते भरा हुआ है, लोग सिर्फ मतदान के दिन ही ये रुचि दिखाएंगे, ऐसा हमें आभास है।